हमारे साथ भारतीय सहाफी स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी मौजूद है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आप हमारी कन्वर्सेशन भी सुन रहे होंगे, लेकिन हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं वो इंडियन डेलीगेशन की बात करना चाह रहे हैं कि यकीनन इंडियन डेलीगेशन का आना, आपकी टीम तो नहीं आई लेकिन इंडियन डेलीगेशन आया, तो ये बड़ा एक आइस ब्रेकिंग चीज़ है हमारे लिए, हम सब के लिए, और क्रिकेट रिलेशन की जो है ये बहाली भी है। तो आफ्टर जो ये मोर देन अ डेकेड के बाद जो हमने एक डेलीगेशन का यहाँ पर आना पाकिस्तान में, इंडिया का किस तरह देखेंगे और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, हम में से हर कोई यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी ना कभी बायलैटरल सीरीज एक बार फिर शुरू हो। आपको याद हो कि चाहे वो बाबर आजम की बात करो या विराट कोहली या रोहित शर्मा की बात करें, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, और टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट क्रिकेट होता है। तो अगर ऐसे रिलेशन सुधरते हैं आगे जाके और बायलैटरल क्रिकेट शुरू होता है, तो वो दोनों ही देशों के लिए और दोनों ही देशों के मुल्क के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्रिकेटिंग राइवलरी, मेरे हिसाब से वो एशेज से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, आप राइवलरी की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो मैं उसको सबसे बड़ी राइवलरी मानता हूं आज की तारीख में वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ एशिया कप में और वर्ल्ड कप में या आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही आके मिलता है। तो अगर ऐसे होते हैं, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान गए हैं, हमारे कमेंटेटर दीपदास गुप्ता भी अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। तो जी, वही यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो वफद आया है, आप क्या देखते हैं कि कोई मुस्तकबिल में क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा दोनों ममालिक के दरमियान? क्योंकि बहुत अच्छी मेज़बानी तो हमने उनकी कर दी, अब वो भारत जाकर क्या राजीव शुक्ला या जो रॉजर बिनी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेट आई है उस पर भी कुछ बात करेंगे या नहीं? आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे इंडियन जो टीम है, चलो अब नहीं आई है, अब दोबारा आ जाएगी आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे? देखिए, बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पूरी यहाँ तक तो फिलहाल यही पूरी उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ पर जरूर इंडिया की टीम वहाँ पर आएगी, जरूर वहाँ पर मैच खेलने, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो वो तो है ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उससे पहले भी अगर दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधरे, तो उम्मीद ये है कि वो बायलैटरल है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर पीसीबी के मेजबानी पे या वहाँ के लोगों के जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि क्या दोनों देशों के गवर्नमेंट इस बात की इजाजत देते हैं कि अच्छा विवेक, एक बड़ा जो इशू है जो हमने देखा है कि कोलंबो में बारिश का बड़ा इशू है, अभी भी कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन जो है वो बारिश रहेगी, लेकिन आपकी जानिब से जो है वहां से जो है वेन्यू चेंज नहीं किया जा रहा, क्या समझते हैं क्या वजूहत होंगी इसके पीछे? देखिए, मुझे जो पता है कि वजह जो चेंज नहीं हुई है वो बहुत सारी वजह है। एक पहली सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप हम्बनटोटा कभी गए हैं, मैं वहाँ पर हम्बनटोटा में मैंने मैचेस कवर करे हैं, वो पूरा ग्राउंड जो है वो काफी दूर है और वहाँ पर होटल्स इतनी नहीं है कि एक ही बारी में वहाँ पर 5-6 टीमें वहाँ पर रहें, ब्रॉडकास्टर्स का क्रू रहे, और ब्रॉडकास्टर्स जो है वो छोटा मोटा क्रू नहीं होता, कोलंबो से पहले से उनकी बुकिंग वगैरह होती है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपके साथ हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।